बिटवा, ओ बिटवा जल्दी उठ। आग रानी। बिटवा जल्दी धरा। हाँ ग्रैनी। बिटवा गोमस एडम्स का फोन आया था। क्यों ग्रैनी? वो वेडनेसडे को हमारे घर छोड़ने आएगा। क्या वेडनेसडे हमारे घर आ रही है? बिटवा अब कुछ दिन तक वेडनेसडे हमारे साथ रहेगी। ग्रैनी आपने क्यों हाँ बोला? आपको पता है ना वेडनेसडे कितनी अजीब है। जब भी मुझे पार्टी में मिलती है ना तो ऐसे बिहेव करती है जैसे मुझे जानती ही ना हो। ना समझ लड़के, वो उसका नेचर है और वो बहुत प्यारी और शर्मीली बच्ची है। और ग्रैनी थोड़ी थोड़ी देर में अजीब हरकतें करती रहती है ऐसे। वो इसलिए क्योंकि उसको फ्यूचर दिखाई देता है। गोमस कितना कुछ करता है हमारे लिए। हमारे लिए फ्रेश फ्रेश चमगादड़ पकड़ कर लाता है और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी तो भिजवाता है। तो क्या हम उसकी बेटी को कुछ दिन अपने पास नहीं रख सकते हैं? जी बुढ़ाओ। ओह नो। हाँ बाबू तुमने बिल्कुल ठीक कहा। टेंशन मत ले, वो तेरे साथ घुल मिल के रहेगी। अच्छा ठीक है ग्रैनी। आ रही है वेडनेसडे। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। Oh no! अरे क्या हुआ बिटवा? कुछ नहीं ग्रैनी। अरे ये क्या है? हाय ग्रैनी ग्रैंडपा, मैं वेडनेसडे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कल की जगह 2 दिन बाद आऊंगी। आपका फोन नहीं लग रहा था इसलिए मैं थिंग के पास ये लेटर भिजवा रही हूँ। तो अब मिलते हैं 2 दिन बाद। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आज आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ठीक पहचाना मगरू भाई, हमारे घर में ना वेडनेसडे एडम्स आ रही है। का वेडनेसडे? भैया जी वो तो बहुत ही अजीब प्राणी है, हमने उनको कभी खुश नहीं देखा। देखती ऐसे है जैसे हमका खा जाएगी। करेक्ट मगरू भाई। पता नहीं जितने भी दिन वो यहाँ पर है हमारे दिन कैसे कटेंगे। भैया जी हमको ना मिलना है इस वेडनेसडे से, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं दूर चला जाता हूँ ताकि वेडनेसडे की शकल ना दिखनी पड़े। दैट्स अ गुड आइडिया मगरू भाई, चलो अब मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। अरे मुझे ग्रैनी को क्या बताना था, याद ही नहीं आ रहा है। हाँ वेडनेसडे का लेटर, ग्रैनी को बताया था कि वेडनेसडे 2 दिन बाद आने वाली है। ग्रैन नहीं 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 नहीं, क्यों ना वेडनेसडे 2 दिन बाद आने वाली है, इस बात का फायदा उठाया जाए। ऐसी प्लानिंग करता हूँ कि ग्रैनी वेडनेसडे से एक ही दिन में तंग आकर उसको चोटी खींचकर घर से बाहर फेंक दे। और मैं ग्रैनी को बोलता हूँ कि ग्रैनी मैं पुराने घर की सफाई कर कर आता हूँ। वेडनेसडे अब तू तो गई। Oh no! अरे वेडनेसडे तू आ गई। हाय ग्रैनी। हाय ग्रैंडपा। हाय वेडनेसडे। कैसी हो वेडनेसडे? फैंटास्टिक। बिटवा कहीं नजर नहीं आ रहा? हमारे दो और घर है ना तो वहाँ सफाई करने गया है। Oh no! अरे ये से क्या हो रहा है? लगता है ये कोई भविष्यवाणी करने वाली है। ग्रैनी मैंने देखा कि इस घर वाले बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वो मैं नहीं हो सकती क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करती।
मैं तो एकदम भोला और मासूम हूँ, मैं तो मुसीबत के आसपास भी नहीं जाता। हाँ बुढ़ाऊ, तेरी तो रग रग से वाकिफ हूँ मैं। क्या मेरा मतलब है ग्रैनी, मेरा रूम कहाँ है? चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। खाना बन गया? बस बस रेडी है, अभी लगा रही हूँ। टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। आप कितना फीका और बेस्वाद खाना बनाती हैं। आपके तो हाथ में जादू है ही नहीं। अरे तुम क्या बोल रहे हो, इसकी जगह कोई और होता तो मैं उसका सर फोड़ देती। कुछ दिन की मेहमान है इसलिए इसको कुछ बोल भी नहीं सकते। जो अपने पति की नहीं हुई वो अपने गेस्ट की क्या होगी? क्या मतलब? आप ग्रैंडपा के कबर्ड से पैसे चुराकर नेकलेस लेने वाली थी ना? अरे इसे सब कैसे पता चल गया? नहीं नहीं, तुमने गलत देखा होगा। अरे क्या खुसर खुसर हो रही है तुम दोनों के बीच? वो ग्रैंडपा कुछ नहीं, इसे भूख लगी है, ये खाना मांग रही है। पेट में तो मेरे भी चूहे कूद रहे हैं, जल्दी खाना लगाओ। हाँ बाबू बस ला रही हूँ। आगे आगे देखते जाओ ग्रैनी, होता है क्या। थैंक्स फॉर द फूड। ओह यू वेलकम वेडनेसडे। कल क्या खाओगी मुझे पहले ही बता देना। अरे ये तो फिर से शुरू हो गई। कितनी अजीब है ये ग्रैनी। इस घर का एक मर्द पैसे चुराता है और डांसर्स के ऊपर लुटाता है। ओह नो। यही नहीं, क्लब में उन्हें ड्रिंक्स पिलाता है और महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है। हाँ? कौन है वो? ओह माय गॉड, ये तो मेरी पोल खोल रही है, गलती से मेरा नाम ना ले ले। प्यारी बच्ची तुमने कुछ गलत देखा होगा। तभी मैं सोचूं मेरे पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं उसका नाम अभी आपको बता सकती हूँ। ओह नो। लेकिन मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगी, फिर आप बोलोगे कि दो दिन के लिए आई थी और घर में आग लगा के चली गई। समझदार है बच्ची। नींद आ रही है, गुड नाइट। पता नहीं वो कौन है। बच गया, आज तो मेरा भांडा फूट ही जाता। क्या बात है वेडनेसडे, तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? ओह नो। अरे लगता है कोई और पोल खुलने वाली है। ग्रैंडपा मैंने देखा किस घर की एक औरत आपकी माँ की पुरानी जेवर बेचकर 9 लक्खा हार खरीदना चाहती है। ओह नो। तुमने कुछ गलत देखा होगा। कौन है वो करम जली, जल्दी बताओ मुझे। अरे इसको ये सब कैसे पता चल रहा है, ऐसे तो ये मेरी सारी पोल खोल देगी। वेडनेसडे, जल्दी उसका नाम बताओ। बाबू वो जरूर स्लेंडरीना होगी। वो कोई यंग नहीं, उम्र दराज औरत है। शक की सुई तो तुम पर ही जा रही है जाना। फिर जरूर एंजेला होगी। अरे क्या करूं मैं इसका। ग्रैनी मैंने देखा किस घर का एक आदमी आपके पुराने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम कर उस घर को बेचना चाहता है। ओह नो। उन पैसों से वो खूब अय्याशी करेगा। कौन कौन है वो? अरे ये तो मैं हूँ, क्या करूँ जाना, वो जरूर बिटवा है। मेरा बिटवा ऐसा कभी नहीं कर सकता। बुढ़ाऊ कहीं वो तू तो नहीं? अरे नहीं नहीं जाना, वो जरूर स्लेंडरमैन होगा। हाँ वही होगा, उसकी और स्लेंडरीना की हमेशा मेरी प्रॉपर्टी पे नजर रहती है। इसका यार है ना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं, वेडनेसडे को जल्दी से यहाँ से फुटाना होगा। बाबू मैं तो इस वेडनेसडे से तंग आ चुकी हूँ, झूठ झूठ बातें बोल के हम दोनों के बीच आग लगा रही है। वही तो जाना, इस लड़की को झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, बोल तो वेडनेसडे सच्ची रही है, बस कहीं मुझे फंसा ना दे। लड़कियों के बारे में तुझे सब कुछ झूठ बोला, लेकिन लड़कों के बारे में तो मुझे सब सच ही लग रहा है। नहीं नहीं जाना, लड़कों के बारे में भी सब झूठ ही बताया है उसने। तुम इसे जल्दी से यहाँ से भेजने की तैयारी करो, इसने तो आधे दिन में हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है। सच कह रही हो स्वीटी, इसको बहाना बनाकर यहाँ से चलता करते हैं। अच्छा हुआ बिटुआ जो तुझे इन दोनों के राज पहले से पता थे, तभी तू इन दोनों को डरा पाया। अब वेडनेसडे यहाँ पर कभी नहीं आ पाएगी। ओह नो।
वो वेडनेसडे बाबू तुम बोलो। अरे मुझे की बलि का बकरा बना रही हो? अच्छा ठीक है वो वेडनेसडे। अरे बाप रे अब तो मेरी शामत आनी पक्की है। अरे इसे फिर से फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ग्रैनी ग्रैंडपा मैंने देखा कि इस घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी एक दूसरे के सामने पोल खुलने वाली है। ओह नो। अरे इससे पहले ये और पोल खोले बाबू जल्दी से गोमज को फोन करो। हाँ जाना जल्दी करते हैं अभी लड़की तो जी का जंजाल बन चुकी है। बिटवा तेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। वेडनेसडे जल्दी नीचे आ। आई ग्रैनी ग्रैंडपा। हाँ ग्रैनी क्या हुआ? अगर तुम वेडनेसडे हो तो ये कौन है? ओह नो। और तुम दोनों में से असली वेडनेसडे कौन है? अरे ये कहाँ से आ गई? ये तो दो दिन बाद आने वाली थी। बिटवा तेरी तो पोल खुलने वाली है। ग्रैनी आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वेडनेसडे। मैं भी वेडनेसडे। अरे ये सब क्या हो रहा है कोई बताएगा मुझे? मैं दो दिन बाद आने वाली थी। मैंने थिंग के हाथों लेटर भिजवाया और उसे बिटवा ने रिसीव किया था। मेरा काम जल्दी निपट गया मैं अभी ही आ गई। वैसे बिटवा ने मेरा जैसा लुक क्यों बनाया हुआ है? बिटवा तू तो मुझे तभी लग रहा था इस वेडनेसडे की मूछे कहाँ से आ गई? मैं क्या करता? मैं नहीं चाहता था कि वेडनेसडे हमारे घर पर आए। ओह नो। बिटवा मुझे भी तेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। हाँ ग्रैनी क्या? इधर आ। हाय गाइस, आई होप आपको बिटवा को वेडनेसडे के रूप में देखकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहकनी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकनी।